गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज आज मैं फिलहाल अभी आया हूँ बाहर से एंड अपन कर रहेगा अभी नाश्ता एंड अरे यार ये बंद हो जा। सो अभी नाश्ता करते हैं यहाँ से। नाश्ते में आज बनी है, देखो क्या बनी है दिखाऊँ मैं अपनी नाश्ता। आज नाश्ते में बनी भाई साहब मशरूम रोटी एंड बैगन आलू की सब्जी। सो लेट्स गो गाइज। बट सर मैं नाश्ता करता हूँ एंड आज तो भाई साहब पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसकी भी मेरे को मेल आ गया कि पुलिस वेरिफिकेशन 3 सप्ताह के अंदर हो जाएगी खुद से, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उनके कॉन्टैक्ट में आ जाना। और मेरा पैन कार्ड भी शायद से घर पहुंचने को है। सो अपना सारा काम अब डन हो गया, बस एक ही काम बचा भाई लर्निंग लाइसेंस का, जो कि आज मेरे को टेस्ट देनी थी बट फिर मैंने उसे रीशेड्यूल करके कल का करवा लिया। अब मैं कल जाऊँगा यार, क्या करूँ यार, उसमें भी खामों का पैसा लग जाता है खामों का यार। एक बार तो मैं ऑलरेडी 5 पेशेंट सही करके एक से रह रहा था, बस देखता हूँ इस बार क्या होता है। 2 hours later। सो गाइज अभी थाना से कॉल आया था, मतलब एक दीपनगर थाना है जो मेरी थाना पड़ती है, और मैं लिटरली थोड़ा डर गया था। वो कह रहा है कि मैं दीपनगर थाने से बोल रहा हूँ। बोले हाँ सर। सो वो कह रहा है सर आपने वो गला पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया? उन्होंने कहा हाँ सर किया है। फिर मेरे को लगा अरे भाई चलो ठीक है पासपोर्ट के लिए कॉल आया है। सो अब मैं जाऊंगा दीपनगर थाना आज जाते या कल। मैंने उनसे पूछा कि मैं कल आ सकता हूँ, बोले हाँ कल भी आ सकते हो आज भी आ सकते हो। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि कल चला जाऊँ, लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट भी दे देंगे और फिर थाना भी चले जाएंगे अपनी वेरिफिकेशन के लिए। और जैसे ही दीपनगर थाना वेरिफिकेशन होगा भाई का पासपोर्ट आ जाएगा। यार मैंने पासपोर्ट इसलिए बनाया कि भाई देखो आजकल नियम कानून में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं, मतलब कि इतने सारे चेंज आ रहे हैं। पहले लाइसेंस ऐसे बन जाता था, अब तुम्हें भाई लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देनी है, फिर वो ड्राइविंग टेस्ट देनी है। सो इस वजह से भाई जिनके 18 पूरे ना भाई अपने सारे काम करा लो, वरना बाद में भाई पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से मैं बना रहा हूँ। लेटर दैट सेम इवनिंग ये हमारे क्षेत्र में मतलब जिला नालंदा ओपन टेस्ट टैलेंट हो रहा है यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के द्वारा। और ये फॉर्म मेरे दुकान में मिलेगी जिसकी कीमत है 30 रुपये। हाँ, और इस पर अलग अलग तरह के प्राइस हैं। ये एग्ज़ाम जो होगा नालंदा कॉलेज में होगा एंड ये सारी चीज़ें भर के मेरे पास जमा कर देंगे आप, 30 रुपये के साथ ही मिलेगी। और यहाँ पे क्या क्या प्राइज हैं ये ओपन टैलेंट कॉन्टेक्स्ट में, ये देखो भाई, ये है 15,000 रुपये नकद पहले वाले को, दूसरे वाले को 11,000 एंड तीसरे वाले को है 7,500 रुपये। फिर यहाँ पे 47 साइकिल भी है, यहाँ पे बैग भी है। और ये कुछ नियम और कानून मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है जो लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ लें। ये रहा हेल्पलाइन नंबर, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो इस पर कॉल करें। रोटरी क्लब ऑफ नालंदा, थैंक यू। हमने फॉर्म फिलहाल भर दिया है ओपन टेस्ट कॉलेज टेस्ट का पूरा फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया है। The next morning. Guys, मैं वापस आज आया हूँ अपना लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए एंड आई होप कि आज ये हो जाए क्योंकि मैं बहुत घूम रहा हूँ यार। मतलब पहला बार मेरे को भाई पहले ही धमकी मिल गई, आज बेटा फेल हो गया देख लिया फिर, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हो जाए। मैं वैसे कल भी पढ़ाई की, दो तीन दिनों से मैं यही कर रहा था, उम्मीद तो है हो जानी चाहिए, बाकी देखते अंदर जाने के बाद क्या होगा यार। और मुझे अभी दीपनगर थाना भी जाना है वो पासपोर्ट के लिए एंड उसके लिए भी मामा को बोलना पड़ेगा। सो देखो गाइस ये देखो इतने सारे बंदे बैठे हुए हैं एंड फाइनल वो यहाँ से एंट्री होती है एंड ये रही है मेरी रिसिप्ट फिलहाल। ये देखो 300 रुपये यहाँ लग गया, यहाँ मोहर एंड ये रहा एप्लीकेशन नंबर, पता नहीं यार मैं कहाँ कहाँ फंस गया हूँ। ये देखो ये चार्ज लगता है ना सर, चार्ज ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है, 300 रुपये। ऐसे तो लर्निंग टेस्ट का दोबारा फी 50 रुपीज़ ही है। 5 minutes later। काम तो हो गया भाई, भाई हो गया पास, अब करेंगे मौज। हो गया भाई काम, हो गया अपना ये पैसा वसूल बर्बाद 400, बट कोई नहीं पास हो गया। ये रही मेरी लर्निंग लाइसेंस आ गई अपने पास, भाई हो गया पास। ये देखो पहले आदित्य ने एक फ़ोन लिया था पोको X3 Pro शायद है ना, हाँ, प्रो है वही है। सो इस फोन का ये जो अपडेट आया हुआ है, एक अपडेट आया हुआ है, खोलना जरा इसे।
सो गाइस देख लो, ये वाला अपडेट आप मत करना वरना आपका भी फोन खराब हो जाएगा। मदरबोर्ड डेट कर देता है यार। तो इसका मदरबोर्ड एक्चुअली खराब हो गया था, तो ये फोन ही रिप्लेस करके बिल्कुल नया दे दिया, एकदम बिल्कुल सील पैक डब्बा मिला मेरे भाई को। एंड भाई भाई पूरा खुश है यार अभी से। तो होना ही है। अब भाई उस फोन को पबजी खेल खेल के बर्बाद कर दिया था, बट नाउ ये फोन अभी से नया मिल गया, तभी से इज्जत से रखेगा, मुझे उम्मीद है मेरे भाई पे। देख लो भाई ये खुशी। Later that same evening. So guys, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और भाई मैं कह रहा हूँ सारा काम मेरा कंप्लीट तो नहीं हुआ आज, बस मेरा लाइसेंस वाला काम हुआ है एंड एक्चुअली पासपोर्ट वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे गांव के मुखिया से साइन करवा के कैरेक्टर बनवा के लाना है, फिर वो थाने में जमा करना है। सो ये कुछ लंबा प्रोसीजर है, वैसे पापा से हमने बात करवा दी है तो वो लिख के दे देंगे। एंड गाइज आज लाइसेंस का काम हो गया, पैन कार्ड आ गया मेरा, ओवरऑल 2-3 काम रह रहे हैं वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। मतलब क्या होना भाई, सरकारी काम कराने में भाई साहब बहुत ही ज़्यादा टाइम मरता है एक्चुअली, सरकारी काम इतनी आसानी से होती ही नहीं है भाई। सरकार लोगों को रख तो रखा है बट एक्चुअली वो लोग काम करते नहीं सही से, बट चलो जो भी है नहीं है सही है, सब कुछ सही है, मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं, मेरे को किसी से कोई ऑफेंड नहीं है भाई साहब। ये बात सरकार तक पहुँच जाएगी माथा खा जाएगा मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा काम हो गया अपना, बाय बाय।